वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है तो आपको जमीन को करके संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपका हक आपका हक अधिकार नहीं मिलेगा। आज बिहार में हमने संघर्ष किया, दो साल में सत्ता में आ गए, पावर में आ गए, आने वाले समय में हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में अपने समाज का हक अधिकार को मिलाएंगे। आपके आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है तो आपको जमीन को करके संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपका हक आपका हक अधिकार नहीं मिलेगा। आज बिहार में हमने संघर्ष किया, दो साल में सत्ता में आ गए, पावर में आ गए, आने वाले समय में हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में अपने समाज का हक अधिकार को बुलाएंगे। इस देश में जब भी गरीब समाज का सरकार होगा, गरीब समाज के लोग नेतृत्व करेगा तो निश्चित तौर पर आपके लिए और आपके आने वाले बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए सोचेगा। जो लोग आपके लिए नहीं है वो आपके लिए कभी नहीं सोचेगा। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में पूरे मजबूती से आज हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 1 से 2 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ऐसे प्रत्याशी को हमारा नामांकन रद्द कर दिया, लेकिन तो भी आज हम 50-55 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से कई ऐसे सीट को हम लोग जीत रहे हैं। आज जिस तरीके से आज आप देखिए बलिया में हम 40 सीट जीत रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखिएगा तो मजबूती से जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ निषाद पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, सपा बसपा और कांग्रेस के साथ केवल बीएसपी को हराएंगे और भाजपा को हराएंगे, तो बिहार में आप तो आपके तो भाजपा के साथ ही गठबंधन है, तो लोगों का कहना है कि भाजपा के बी टीम रहकर आप काम कर रहे हैं। देखिए लोग का क्या कहना है वो बात की बात है, जो आप कान से सुन रही है ना उसी को आप लोग सत्य मानिए। देखिए मेरी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से है, क्योंकि देश का प्रधान है और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हमें पूरा उम्मीद है, आशा है कि इस देश के संविधान के अनुकूल वो हमारे साथ न्याय करेंगे। आज हमारे लोगों को बंगाल में या दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं मिल रहा, और हम वर्षों से उनके पीछे लगे कि हमारे आरक्षण लागू करा दीजिए लेकिन वो नहीं करा रहे, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम उनको लड़ के उनको हराने का हमारे पूरे प्रदेश में हम चाह रहे हैं कि जहाँ हम लड़ रहे हैं वहाँ पर वीआईपी पार्टी को जिताए ताकि लखनऊ में पहुँचे, अपने समाज के लिए अपने गरीब लोगों के हक अधिकार की बात करें और मजबूती से प्रदेश का विकास के लिए काम करें। और जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ रहे वहाँ पे सपा अगर मजबूत है तो वहाँ उसको जिताइए, बसपा मजबूत है तो उसको जिताइए या कांग्रेस मजबूत है वो उसको जिताइए, जिसको भी वहाँ के स्थानीय हमारे नेता जो उचित समझेंगे उनको मदद करके जिताएंगे। अब भाजपा को हराएंगे, भाजपा को हराने से क्या होगा, 2024 से पहले हमें हमारा आरक्षण लागू होगा। इसलिए लागू होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लग जाएगा कि निषाद समाज हमसे कट चुका है और निषाद समाज का हक अधिकार नहीं देंगे तो 2024 में भी हमारा कुर्सी खाली करा देगा। जिस तरीके से किसान भाई ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा और उसके सामने में देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, कृषि कानून को वापस लेना पड़ा, उसी तरीके से मुझे मेरा पूरा भरोसा है कि समाज हमारे साथ होगा, भाजपा को हराएंगे, 2022 में सत्ता से बाहर करेंगे और तब जाके हमारे लोगों को आरक्षण 2024 से पहले बीजेपी लड़ने के लिए आए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, जेडीयू की सरकार है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी उनको समर्थन दिए हैं और वीआईपी पार्टी भी समर्थन दिए हैं और मजबूती से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और हम लोग बिहार में विकास का काम करें, हर गरीब के लिए काम करें और वहाँ पे भाजपा जिस तरीके से वीआईपी एक सहयोगी है वैसे भाजपा है। भाजपा को अगर तकलीफ है तो सरकार से निकल जाए, सरकार को गिरा दे। अधिकतर देखा गया आपके प्रत्याशी जो है पार्टी का तो वो के निषाद समाज में है कि निषाद को जाए या मुकेश सहनी को जाए, समाज को पता है कि समाज के हक अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है। जो समाज के हक अधिकार के लिए समाज का बेटा बन के आएगा, हमारा समाज जागरूक हो चुका है, होशियार है, वो सही समय पर सही निर्णय लेगा और वो देखेंगे कि किस तरीके से। आप बताइए कि डॉक्टर संजय निषाद जी पार्टी नहीं चला रहे, दुकान चला रहे, आप बताइए कि देश दुनिया में एक भी जगह बता दीजिए जिसका अपना पार्टी हो उसका अपना बेटा सांसद बीजेपी का सिंबल पे चुनाव जीत के सांसद बने हैं। इस बार भी चोरी चोरा में चुनाव हो रहा है, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और खुद MLC बीजेपी पे बन रहे तो